हड़कंप मचा है। चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या की गई है। दंपति और दो बच्चों की निर्मम हत्या हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दंपति और उनके दो बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है। धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई है। रंजिश के चलते कहा जा रहा है कि हत्या की आशंका है। सुराव क्षेत्र के यूसुफपुर सेवाइत की वारदात है ये, जहां पर पांच हथियारों से दहरी संगम नगरी। परिवार के चार लोगों की हत्या से हड़कंप। परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। दंपति और उनके दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आशंका ये जताई जा रही है कि रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से ये निर्मम हत्या की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पाई आपको उस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, पूरा मामला एक ही परिवार से जुड़ा हुआ है। एक ही परिवार के पांच लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आशंका जताई जा रही है कि आपसी विवाद में ही एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या की गई है। लेकिन अभी हत्या के कारण के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, ये अभी कोई कुछ बता नहीं सकता है, क्योंकि एक ही परिवार के जितने लोग थे, पांच लोग थे, पांचों की हत्या हो चुकी है। अब वहां पे डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच रही है और छानबीन में जुटी हुई है। जी धीरेन्द्र, तो क्या अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया है? अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाया है। हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, वहां पे आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और वहां पर स्थानीय थाने की फोर्स पहुंच चुकी है और ये सुराग लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई क्लू पुलिस को हाथ नहीं लगा है। धीरेन्द्र, ये जहां पर हत्या हुई है, जिस जगह ये हत्या की गई होगी, वहां पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था क्या, जिसकी मदद ली जा सके हथियारों को तलाशने में? देखिए, पूरा मामला गांव का है, गांव में वहां पे सीसीटीवी नहीं है, इस वजह से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ही परिवार के जो हत्याएं हुई है, उसको आसपास के लोगों को भी जानकारी हुई है, पुलिस को भी जानकारी हुई है, क्योंकि ये घटना बीती रात की है, लेकिन एक ही परिवार के कोई लोग वो उठे नहीं, इस वजह से अब आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई है तो पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस तक पहुंच के जांच में जुटी जी। धीरेन्द्र, ये बताइए, पुरानी रंजिश कही जा रही, रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या इसके बारे में पुलिस ने आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की? देखिए, अभी वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और अभी किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएंगे। फिंगरप्रिंट स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंच गई है। हालांकि पुलिस आसपास और घटना के पीछे क्या किससे क्या विवाद रहा है, वहां पे आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। जी धीरेन्द्र, प्रथम दृष्टया क्या कुछ लग रहा है पुलिस को कि हत्या क्यों की गई होगी? देखिए, अगर उस इलाके की बात किया जाए तो उस इलाके में कई इस तरह की वारदात हो चुकी है, जिसमें कि एक ही परिवार के कई लोगों की हत्या हो गई है, तो कुछ उसमें घुमंतू गिरोह की भी शक है और आपसी विवाद का भी इसमें आशंका जताई जा रही है। तो पुलिस अभी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही कि आखिर घटना के पीछे क्या है, कि कोई घुमंतू गिरोह है जो इस घटना को अंजाम दिया है, लूट के इरादे से किया है, या कोई आपसी रंजिश की वजह से हत्या हुई। जी जी धीरेन्द्र, आप अभी जहां पर ये घटना हुई है वहां पर क्या आप मौजूद हैं, क्या आपने कोई अलग से जानकारी जुटाई? देखिए, ये पूरा मामला सुराव इलाके का है, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर जो पुलिस टीम है वो भी पहुंच रही है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच रही है और अब वहां पे स्पष्ट स्थिति अभी कुछ पुलिस भी नहीं बता पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।